फ्रेंड्स, मास्क बनाने के लिए देखिए मैंने कपड़ा लिया है। इसकी लेंथ, चौड़ाई जो ली है मैंने वो 7 इंच ली है, और इसकी लेंथ ली है मैंने वो 14 इंच ली है। ठीक है, इस तरीके से नाप लेंगे। देखिए मैंने आपको मेजरमेंट दिखा दिया है, और इसको अब हम इस तरीके से फोल्ड कर कर देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, और देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, जॉइंट कर लेंगे इसको। देखिए जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से रखकर अब हम इसको देखिए इस तरीके से हाफ में फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से इधर से फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है ये, और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें निशान लगाने हैं दोनों तरफ, दोनों पीसेस पर, और इधर दूसरी तरफ भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स निशान लगा लिए हैं हमने अपने, और जो हमारा सेंटर पॉइंट था पीछे की तरफ वहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने निशान लग गए हैं हमारे, अब हम इसको खोल लेंगे। देखिए ठीक है, और अब हम इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में निशान लगाएंगे। दोनों तरफ लगा लेंगे हम। ये देखिए निशान हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए इस तरीके से रखेंगे हम हाफ में। ठीक है, देखिए इस तरीके से रख लिया। रखने के बाद यहाँ पर जो हमने सेंटर का निशान था ये देखिए, और इसके भी हाफ में हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारा 2 इंच है, तो हम 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे हम, देखिए। और अब हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से इस तरीके से इस निशान को आपस में मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से हो गया, और हमें इस पर सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे इस पर। ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई लग चुकी है मेरी, और अब हमें दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से ही करना है। देखिए जिस तरीके से हमने उधर से किया, इसी तरीके से हम इधर से भी निशान लगाएंगे। ये देखिए जो हमने सेंटर के निशान लगाया था बिल्कुल उसी के सामने निशान लगा लिया, और जिस तरीके से उधर निशान लगाया था हमने, ये 2 इंच है हमारा, तो हम 1 इंच पर इधर निशान लगा लेंगे। इसके हाफ में निशान लगाना है। ठीक है, देखिए निशान लग चुके हैं हमारे तीनों। इसी तरीके से इस पर भी हमें स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, और अब इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारा अंदर वाला कपड़ा है इसको हम थोड़ा बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, और अब इसके ऊपर रखकर देखिए इस तरीके से अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये ध्यान दें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स सिलाई लगा ली है मैंने, अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारे मास्क का लुक कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखिए। ये जो हमारा ये एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको थोड़ा तिरछा हो रहा है, अब हम इनको दोनों को आपस में मिलाकर अच्छे से हम इनको सेट करेंगे, और इसकी कटिंग कर लेंगे, इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे।
ये देखिए ये मैंने सीधा कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम ये पट्टी लेंगे, इसकी जो चौड़ाई ली है, लंबाई मैंने इसकी 4 इंच ली है, चौड़ाई 3 इंच ली है। अब ये देखिए इस तरीके से पहले हमें इधर सिलाई, दोनों तरफ से हमें फोल्ड कर कर इन पर सिलाई लगा लेनी है। इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमें इनको फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से, कुछ इस तरीके से ये फोल्ड होगा हमारा। फिर हम इसके नीचे इसके रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से रखकर, इसके ऊपर रखकर हमें सिलाई लगा लेनी है। किनारे पर हमें इसकी सिलाई लगानी है, इससे हमारे मास्क की बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से करना है, देखिए बिना कटिंग के ये हमारा मास्क कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। हम इसमें ब्लास्टिक डाल देंगे और इसका बहुत ही अच्छा सा हमारा लुक आएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।